करती हूँ आप लोग जो पहले से आज भी मौजूद हूँ बहुत ही मशहूर और फेमस गाँव जो माना जाता है कि कराची का सबसे फेमस गाँव है। तो उसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कराची के अलेवन ही यहाँ पर सामने आप बिहार है कार की मार्केट भी लगती है चले। ठीक है फिर मैं आपको और डिटेल उनके हवाले से बताती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देवीदास हमारे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर इस शॉप पे? माशाल्लाह। ठीक है, गुड, सही है। तो इतना मशहूर क्यों है आपका पुलाव, क्या इसमें ऐसी चीज है? ऐसा जायका पूरी कराची में लगे दादा, जब हमने शुरू करा ये नई रेसिपी थी कराची की, तो ये हमने शुरू करा यहाँ पे सच्चे लाल बना लगता है बहुत रस का जगह भी आया उसने दूसरों को बताया पूरी कराची में। तो एक दिन में कितना केजी आप सेल आउट कर लेते हैं? आज से हमारी आम दिनों में 13-14 माशाल्लाह। और एक पतीला कितने केजी का होता है? 10 किलो का होता है, तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, रमजान मुबारक आ रहा है, रमजान मुबारक के हवाले से आप क्या पैकेज देना चाहते हैं हमारी आवाम को? 150 जी जी। सुबह शेरी पाल होती है हमारा पुलाव का, इसके अलावा हमारा भोगेश्वरी का रेस्टोरेंट जहाँ पर 24 घंटे पुलाव होता है, 24 आवर्स वहाँ पे होता है, 24 घंटे किसी भी टाइम चले जाए, पूरे हफ्ते कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। ठीक है, और टाइमिंग क्या है यहाँ की? यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे से रात 12:30 बजे तक, उसके बाद खत्म हो जाता है। और लोकेशन के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। न्यू कराची संडे बार बता डाइट। ठीक है जी, तो लोकेशन भी बहुत ही इजी है और यहाँ पर बहुत सारे पुलाव वाले जी जी अलगोसिया के नाम, जो भी है अलगोसिया का नाम लेता है। भैया देखा, ये है अलगोसिया हैदराबादी अपने पुलाव, और यहाँ पर भी है। अच्छा, गोश्त के हवाले से आप बताएं, बच्चे का गोश्त कहते तो है लेकिन होता नहीं है। कभी आप हमारी बोल के चले जाओ, और ये प्रोग्राम लाइव गोश्त बनता होता है, दाने टंकी में साफ सुथरा गोश्त बनना होगा, पब्लिक देख रही है हमारा गोश्त की वजह से, ये जो रश नजर आ रहा ना हमारी गोश्त की क्वालिटी, गोश्त की क्वालिटी एक नंबर गोश्त आपको दे दे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
चले हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद है भाई के किस तरह का टेस्ट है और ये कब से यहाँ पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इसके टेस्ट के हवाले से सबसे पहले आप बताएं कि कैसा है इसका टेस्ट। बहुत अच्छा है। आप औरंगी टाउन से इतनी दूर आते हैं सिर्फ और सिर्फ पुलाव खाने, तो हर संडे का दिन फिक्स है आपका? हर संडे का दिन फिक्स है आपका? चले तो कैसा लगा आपको टेस्ट में? यानी कि आज जो लिखा हुआ है कि बच्चिया है तो इसमें ये बच्चिया ही है इसमें। चले जी बहुत बहुत शुक्रिया। लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और औरंगी से यहाँ पर लोग आ रहे हैं पुलाव खाने। यहाँ के लोग जो है बहुत मशहूर है पुलाव खाने में और खाते भी जाते हैं, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। और रश इतना है बता रहे हैं यहाँ पर सामने एक और जो है इनका ये 11 किलो का पतीला है ये खत्म हो चुका है और माशाल्लाह से दूसरे पतीले को जो है इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। अच्छा हो गया इन्हें यहाँ पर स्टॉल लगाते हुए और यहाँ की टाइमिंग क्या है और लोकेशन क्या है। सही भाई जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कितना अर्सा हो गया है आपको? 8-10 साल हो गए। और कितना के जी आप एक दिन में सेल आउट कर लेते हैं? 25 पतीले और एक पतीले में कितना होता है कम से कम? 10 किलो यानी कि 20-25 पतीलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 केजी एक में होता है। टाइमिंग क्या है सर इसकी? दोबारा सुबह 10 बजे से रात 1 बजे तक की इनकी यहाँ की टाइमिंग है। मैं करने जा रही हूँ रिव्यू और देखते माशाल्लाह से चावल के दाने भी इसके बड़े अच्छे हैं और गोश्त की क्वांटिटी भी इन्होंने अच्छी ही दी है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। और खा के बताती हूँ कि गोश्त की क्वांटिटी भी देख सकते हैं इसमें ज़्यादा है, तो मैं खा के बताती हूँ ये पेस्ट पे है कैसे। ये देखें ज़बरदस्त, तो मैं खा के बताती हूँ फिर इसमें दायर मान रही। यम्मी, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें इसके चावल जो एक यखनी का टेस्ट आ रहा है इसमें और जो ये गोश्त है नो डाउट ये बच्चा का ही इसमें गोश्त इस्तेमाल हुआ हुआ है, किसी और गाय का बीफ का या बड़े का गोश्त इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ है, प्योर बच्चा का गोश्त इस्तेमाल ही हुआ हुआ है। भैया मैं इसको खाती हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ वरना ये हो जाएगा ठंडा। मेरी आज की वीडियो सरप्राइज के यहाँ का किस तरह का था टेस्ट मैंने किया और ज़बरदस्त जायका था, तो उम्मीद करती हूँ आपको भी आज की वीडियो पसंद आएगी। लोकेशन आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दी जाएगी और जब तक के लिए मेरी न्यू वीडियो के लिए आप ख्याल रखें। नई वीडियो में